जिगर, अहम कहाँ है? पता नहीं काकी जी, वो गोपी बाऊ, अहम कहाँ है? माँ जी शायद अपने कमरे में होंगे। जा, जाकर अहम को बुला कर ला। जी कहो, सब खाना खाने के लिए आ चुके हैं। गोपी बाऊ, किस सोच में पड़ गई हो? जाओ बुला कर लाओ। जी क्या हुआ गोपी? वो तुम वापस क्यों लौट आई? माँ जी वो आ रहे। गोपी वो, अहम को दाल परोस दो। माँ जी मैं अभी आई। मीठी बहन, आप ये रोटियां बाहर जाकर और उसी मैं रोटी बना लूंगी। आप रहने दीजिए भाभी, बनाते हो ना। देखिए ये रोटी गरम गरम है, आप बाहर जाके परोसी है ना। मैं हूं ना, मैं ये रोटी बना लूंगी। अच्छा ठीक है। मोटा भाभी, गोपी कहाँ है? मीठी मोटा भाभी, गोपी भाभी रोटी बना रही है। ये लड़की जब देखो तब काम में लगी रहती। जाओ उसे कहो रोटियां बन जाए तो यहां बाहर आ जाए सबके साथ। जी भाभी, आप रहने दीजिए, मैं कर लेती हूँ, आप जाके आराम कर लीजिए। एक बार गोपी जाके रूम में सो जाए, तब मैं रूम में जाऊंगा। क्या करूं? यहां खड़े होने से तो अच्छा है माँ जी के पास जाकर बैठो।
थोड़ी देर और यहां रुका तो सर्दी में अकड़ जाऊंगा, कल का दिन भी खराब हो जाएगा। इससे अच्छा तो मैं काका के पास चला जाता हूं, जाकर मेहता की फाइल का काम खत्म कर लेता हूं। आ जाओ। गोपी वो तमें आप भी क्या ये ऑफिस का काम घर ले आते हैं? अरे थोड़ा सा बचा है सोचा। अब सो जाइए ना, इतनी रात के कौन आया होगा? पता नहीं, आ जाओ। कहो गोपी वो क्या काम है? वो माजी, मैं आपके लिए पानी का जग लेके आई हूँ। अच्छा किया, मैं बस इसे लेने नीचे ही जा रही थी। जी। क्या बात है गोपी वो? मैं सुबह से तुम्हें देख रही हूँ, कुछ खोई खोई सी लग रही हो, कोई परेशानी है? ऐसी कोई बात नहीं है। सारू, अब तुम जाकर सो जाओ। माँ जी, वो माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही, मैं आपके पाँव दबाऊ? नहीं गोपी वो, सुबह हमें जल्दी उठना होता है ना, इसलिए तुम्हारा समय से सोना जरूरी है। जाकर सो जा। माँ जी, मुझे नींद नहीं आ रही, आप लेटे ना, मैं आपके पैर दबा देती हूँ। साथ काका, मुझे वो मेहता जी की फाइल मिल सकती? इतनी रात गए, अचानक तुम्हें उस फाइल का ख्याल कैसे आ गया? नहीं काका, ऐसी कोई बात नहीं है, वो बस क्या है कि मुझे नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि काम खत्म कर डालूं, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि ये नया काम बहुत अच्छे से आगे बढ़े। अरे बेटा, ये तो हम भी चाहते हैं कि काम अच्छी तरह आगे बढ़े, लेकिन इतनी रात गए, वैसे भी मीटिंग तो अगले हफ्ते है ना। कोई बात नहीं काका, मैं अपना काम पूरा करके रख देता हूँ। ठीक है, तुम्हारा इतना ही मन है तो फाइल वहां पड़ी है, ले लो। मिल गई, थैंक यू काका। जय श्री कृष्ण काका। जय श्री कृष्ण बेटा। हमारे अहम को तो बस काम से ही प्यार है। गोपी वो, अब तुम भी जाकर सो जा। जी। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। शुक्र शुक्र की जय।
इतनी ठंड में गोपी वो रात भर मेरे रूम में जमीन पर सोई। भी वो वहां रात भर मेरे कमरे में सोई और अहम यहां, इनके बीच कोई झगड़ा तो नहीं हुआ?